Hello guys, I'm Vinod Mishra. I wish you a very good morning to all the students of Panch Hill Sant Shiksha Niketan Inter College Hardoya, as well as to them who are watching this online video. Dear students, our Prime Minister has extended this lockdown period for 19 days more due to Corona pandemic. I, on behalf of my school management, request you to stay at your home. To stay at your home to keep yourself away from this deadly virus. Dear students, we have already suffered a great educational loss due to Corona pandemic due to this lockdown. Our school management had decided to provide you online education, which we think will be very helpful to all of you. So guys, let's start our first online English class with L2L concept of comprehensive English grammar. I repeat it, L2L concept of comprehensive English grammar. This L2L concept of comprehensive English grammar is a well-known concept to the students of Panch Hill Sant Shiksha Niketan Inter College Hardoya. As far as other students are concerned, it may be an entirely new concept for them. As you know, a learner starts his literary journey in increasing order from letter to reach ultimately to the world of literature or language, that is library. अर्थात इसकी शुरुआत हम भाषा या साहित्य की सबसे छोटी इकाई अक्षर यानी लेटर से करते हैं. लेटर से वर्ड अर्थात शब्द, वर्ड से फ्रेज अर्थात वाक्यांश, फ्रेज से क्लॉज अर्थात उपवाक्य, क्लॉज से सेंटेंस अर्थात वाक्य, और सेंटेंस से पैसेज अर्थात गद्यांश, पैसेज से लेसन अर्थात पाठ, लेसन से बुक अर्थात पुस्तक, और बुक से लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय तक पहुंचते हैं. इस कॉन्सेप्ट के तहत अ लेमैन टर्न्स इनटू अ लर्नेड मैन. इसे हम फिर से दोहराते हैं. पहले हम सबसे छोटी इकाई अक्षर यानी लेटर से प्रारंभ करते हैं और ग्रेजुअली पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं. चलिए हम इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं. सबसे पहले लेटर अर्थात सबसे छोटी इकाई अक्षर पर आते हैं. अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर क्या है? व्हाट इज अ लेटर? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिटरेरी वर्ड. दिस इज इंडीड द माइल्डेस्ट साउंड, और यू कैन से अ रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर. अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर दो प्रकार के माने गए हैं. फर्स्ट वॉवेल्स जो कि पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू. सेकंड कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन जो कि 21 होते हैं. वाई और डब्ल्यू को सेमी वॉवेल कंसीडर किया गया है क्योंकि हम इनका भी प्रयोग मात्रा लगाने में करते हैं. उदाहरण के लिए जैसे पिटी, इसमें पिटी में बड़े ई की मात्रा वाई से लगाई गई है, और रा इसमें बड़े आ की मात्रा ए डब्ल्यू से लगाई गई है. अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को लिखने और पढ़ने के लिए हम चार प्रकार के वर्ड प्रयोग करते हैं. फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग अर्थात छापे खाने के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स ऑफ राइटिंग अर्थात लिखने के बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग अर्थात छापे खाने के छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर्स ऑफ राइटिंग अर्थात लिखने के छोटे अक्षर. इसके उपरांत हम वर्ड यानी शब्द पर आते हैं. व्हाट इज अ वर्ड?
What is a word? A group of letters in a meaningful order is called a word. It gives some sense. उदाहरण के लिए, love is a word only when it is kept in the same order as it gives some sense. Means word का अर्थात शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए. शब्द निरर्थक भी होते हैं, किंतु भाषा विज्ञ अक्षरों के केवल सार्थक क्रम को ही शब्द मानते हैं. लव मीन्स अफेक्शन विच इज ए टाइप ऑफ फीलिंग. लव इज एन ऑब्जेक्ट नाउन. बट इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस वर्ड, अगर इस वर्ड को हम क्रम परिवर्तित करके लिखें, अर्थात एल ओ वी ई लिखने के बजाय ओ ई वी एल लिखें, देन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज इट गिव्स नो सेंस. सो लव मीन्स अफेक्शन विच इज अ टाइप ऑफ फीलिंग. लव एक भाववाचक संज्ञा है, ऑब्जेक्ट नाउन है, जिसका अर्थ होता है अफेक्शन या फैसिनेशन, अर्थात स्नेह या आकर्षण. और जब इन अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए, जैसे कि यदि एल ओ वी ई को ओ ई एल वी लिखा जाए, तो अंग्रेजी भाषा में इसका कोई अर्थ नहीं है. हेंस दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वर्ड, अर्थात अंग्रेजी भाषा में इसे शब्द नहीं माना जाएगा. नाउ गाइस, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन. अगेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू. माना एक सेंटेंस है, आई एम अ बॉय. ध्यान दीजिए, आई एम अ बॉय एक सेंटेंस है. अब आई एम अ बॉय में व्हाट इज आई? आई क्या है? शब्द है या अक्षर? क्योंकि शब्द की परिभाषा से इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अर्थात अक्षरों का समूह शब्द निर्माण करता है. पर आई तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, आई कोई अक्षरों का समूह तो नहीं है. देन व्हाट इज आई? तो उत्तर है कि यहां इस वाक्य में आई एक शब्द है, न कि अक्षर. जबकि जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाएगी तो इसे एक लेटर यानी अक्षर ही कंसीडर किया जाएगा. यहां इस वाक्य में आई एक शब्द इसलिए है क्योंकि हम इसका एक निश्चित अर्थ पाते हैं. हियर आई इंडिकेट्स अ पर्सन, आई मीन्स मैं. हम पहले भी बता चुके हैं कि अक्षर में ध्वनि होती है जबकि शब्द में अर्थ होता है. इस प्रकार से आई एम अ बॉय में आई और अ शब्द हैं, न कि अक्षर. आई मीन्स मैं विच इंडिकेट्स अ पर्सन, अ मीन्स एक विच इंडिकेट्स अ नंबर. एंड नाउ देयर शुड बी नो डाउट इन दिस रिकॉर्ड. सो गाइस, नाउ देयर शुड बी नो डाउट इन दिस रिकॉर्ड. नाउ लेट्स टॉक ऑफ फ्रेज. अक्षर और शब्द अर्थात लेटर और वर्ड के बारे में तो आप पहले से ही जानते थे. योर एक्चुअल प्रॉब्लम्स बिगिंस फ्रॉम हियर ओनली. व्हाट इज अ फ्रेज, अर्थात वाक्यांश क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर विदाउट अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज. मतलब उत्तर है कि शब्दों का वह समूह जिसमें एक भी परिमित क्रिया न हो वाक्यांश कहलाता है. आई रिपीट इट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर हैविंग नो फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज. अर्थात सार्थक शब्दों का ध्यान दीजिए, सार्थक शब्दों का वो समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब यानी परिमित क्रिया ना हो फ्रेज या वाक्यांश कहलाता है.
यहां आप तीन बातें वाक्यांश या फ्रेज के बारे में गौर से समझिए. द ऑर्डर ऑफ वर्ड शुड बी मीनिंगफुल मीन्स फ्रेज अर्थात वाक्यांश में जो शब्दों का क्रम है वो मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए, अर्थात सार्थक क्रम में उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे कि किसी शब्द में अक्षरों का क्रम मीनिंगफुल ऑर्डर में यानी सार्थक क्रम में होता है. दूसरी बात, फ्रेज में शब्दों का क्रम मीनिंगफुल ऑर्डर अर्थात सार्थक क्रम में होते हुए भी भाव अपूर्ण होता है. डिस्पाइट ऑफ मीनिंगफुल ऑर्डर इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस. और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्रेज में एक भी फाइनाइट वर्ब यानी परिमित क्रिया नहीं होती है. मीन्स अ फ्रेज डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब. अब फाइनाइट वर्ब क्या है, जो बच्चे यह नहीं जानते हैं उनके लिए इसको हम कल फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स टॉपिक में विस्तार से डिस्कस करेंगे. हम फ्रेज को चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं. जैसे लिखा है इन द रूम, यह एक फ्रेज अर्थात वाक्यांश है क्योंकि शब्दों का क्रम एक सार्थक क्रम में रखा गया है इसलिए इसका कुछ भाव हमें अवश्य प्राप्त होता है. अर्थात इन द रूम का अर्थ है कमरे में, पर पूर्ण भाव हमें नहीं प्राप्त हो रहा है इसलिए यह फ्रेज अर्थात वाक्यांश है. किंतु यह शब्दों का एक क्रम बदल कर इसे ऐसे लिखा जाए द इन रूम, तो अंग्रेजी भाषा में इसका कुछ अर्थ नहीं होगा, अर्थात तब इसे हम फ्रेज या वाक्यांश नहीं कहेंगे. इसको बच्चों आपको ध्यान रखना है कि फ्रेज में एक भी फाइनाइट वर्ब जैसे इज एम और वाज वर हैज हैव कम गो स्लीप इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं. हम आपको बता चुके हैं कि कल फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स के टॉपिक में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. अब फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल समझिए. देखिए वाक्यांश के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के बारे में समझिए. पहला एग्जाम्पल है इन माई अंकल्स रूम, दिस इज अ फ्रेज एज देयर इज नो फाइनाइट वर्ब. ये एक वाक्यांश है क्योंकि इसमें एक भी परिमित क्रिया नहीं है. सेकेंड ऑन द रोड, यह भी एक फ्रेज है क्योंकि इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब नहीं है. मीन्स ऑन द रोड इज अ फ्रेज एज देयर इज नो फाइनाइट वर्ब. सेकेंड थर्ड ड्यू टू रेन, यह भी एक फ्रेज है क्योंकि इसमें भी एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं है. फोर्थ अंडर द ट्री, ये भी एक वाक्यांश है यानी फ्रेज है क्योंकि इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब नहीं है. अब उदाहरण द्वारा दो बातें और समझिए. पहला उदाहरण है टू सिंग अ सॉन्ग, ये क्या है आप क्या समझते हैं, ये फ्रेज है यानी वाक्यांश है अथवा नहीं? तो ये एक फ्रेज है. आप कहेंगे क्यों, इसमें तो सिंग अर्थात गाना एक फाइनाइट वर्ब है. तो उत्तर है कि सिंग तो फाइनाइट वर्ब है किंतु यहां टू सिंग लिखा है और टू सिंग एक इनफाइनाइट वर्ब है. बहुत सस्ते में इसको ऐसे समझिए कि जब किसी क्रिया के पूर्व टू लग जाए तो वह फाइनाइट वर्ब से इनफाइनाइट वर्ब में तब्दील हो जाती है. महंगे में अर्थात डीप नॉलेज के लिए हम आपको बता चुके हैं कि इसे कल फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स वाले टॉपिक में विस्तार से डिस्कस करेंगे. दूसरा उदाहरण है रनिंग ऑन द रोड, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज एज रनिंग इज एन इनफाइनाइट वर्ब. यह भी एक वाक्यांश है, इसमें भी आप पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि रनिंग अर्थात दौड़ना
तो एक फाइनाइट वर्ब है? उत्तर है कि नहीं, क्योंकि रनिंग एक इनफाइनाइट वर्ब है, इसलिए कि जब वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब से इनफाइनाइट वर्ब में तब्दील हो जाती है। इसका अर्थ है कि टू प्लस वर्ब अथवा वर्ब प्लस आईएनजी, फिर से समझिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से निर्मित क्रियाएं अपरिमित क्रियाएं अर्थात इनफाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब और समझें, टू गो एक इनफाइनाइट वर्ब है, टू रन एक इनफाइनाइट वर्ब है, टू कम एक इनफाइनाइट वर्ब है, टू स्लीप एक इनफाइनाइट वर्ब है, इसी प्रकार टू स्टडी एक इनफाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इन सभी क्रियाओं के पूर्व टू का प्रयोग किया गया है। हम बाद में चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बनता है। अब इसी प्रकार गोइंग एक इनफाइनाइट वर्ब है, रनिंग एक इनफाइनाइट वर्ब है, कमिंग भी एक इनफाइनाइट वर्ब है, स्लीपिंग एक इनफाइनाइट वर्ब है, स्टडिंग एक इनफाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इन सभी क्रियाओं के साथ आईएनजी प्रयुक्त किया गया है। सो एक बार फिर फ्रेज के कुछ उदाहरण देकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इन योर बैग और इन योर रूम एक फ्रेज है, क्यों सोचिए। ऑन माय हेड इज अ फ्रेज, व्हाई। गोइंग टू स्कूल इज अ फ्रेज, व्हाई। टू रन ऑन द रोड इज ऑल्सो अ फ्रेज एंड डू थिंक अबाउट इट, व्हाई। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रेज। And guys, now let's talk of clause, which is the most important topic for the students of pre-intermediate and intermediate level. What is a clause? यानी clause अर्थात उपवाक्य क्या है? What is a clause? तो उत्तर है कि a group of words with a finite verb having its own subject and predicate in a meaningful order is called a clause. अर्थात शब्दों का वो समूह, means सार्थक क्रम में शब्दों का वो समूह जिसका अपना subject और predicate होता है और जिसमें एक परिमित क्रिया अर्थात finite verb अवश्य होती है, वाक्य का वह भाग उपवाक्य यानी क्लॉज कहलाता है। अ क्लॉज इज आइदर अ सेंटेंस इन इटसेल्फ और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक उपवाक्य या तो वाक्य का भाग होता है या स्वयं में एक वाक्य होता है, अर्थात सार्थक क्रम में शब्दों का वो समूह जिसमें एक परिमित क्रिया और इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अर्थात कर्ता और विधेय होता है, क्लॉज यानी उपवाक्य कहलाता है। एक उपवाक्य यानी क्लॉज या तो स्वयं में एक वाक्य होता है अथवा एक वाक्य का भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वाक्य दिया गया है कि इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। अब इस वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब हैं, कम और हेल्प, सेल हेल्प, सॉरी कम और सेल हेल्प। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो क्लॉज अवश्य होंगे, क्योंकि एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है। अब यदि हम इस वाक्य के दो भाग करें और दोनों भागों में एक एक फाइनाइट वर्ब रखें, जैसे पहला भाग If you come to me और दूसरा भाग I shall help you,
ये दोनों भाग अलग अलग उपवाक्य अर्थात क्लास कहलाते हैं। दोनों में ही एक एक फाइनाइट वर्ब है। पहला भाग इफ यू कम टू मी एक उपवाक्य है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं है। फिर से समझिए, इफ यू कम टू मी एक क्लाज है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं है। अगेन द सेकेंड पार्ट, आई शैल हेल्प यू भी एक उपवाक्य है। आई शैल हेल्प यू भी एक क्लाज है पर इसका पूर्ण अर्थ है। सो गाइस, क्लाज का पूर्ण अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किंतु यह आवश्यक है कि इसके प्रत्येक भाग में एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है। ध्यान दीजिए, क्लाज में एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है जबकि फ्रेज में एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। हम पहले बता चुके हैं आपको, अर्थात एक वाक्य में जितनी फाइनाइट वर्ब होती हैं उतनी ही क्लॉजेज होती हैं। फ्रेज की बात, क्लाज में भी शब्द समूह सार्थक क्रम में होना आवश्यक है। तो गाइज, वाक्यांश और उपवाक्य अर्थात फ्रेज और क्लाज में मुख्य अंतर यही है जो कि हम आपको बता चुके हैं कि फ्रेज में एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है जबकि क्लाज में एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है। हम पुनः क्लाज के कुछ और उदाहरण देकर आपको यह बात समझाते हैं। जैसे उदाहरण नंबर एक, ही टोल्ड हिज टीचर दैट ही वॉज इल। इसमें ही टोल्ड हिज टीचर एक क्लाज है, इसका पूर्ण अर्थ है, तथा दैट ही वॉज इल यह भी एक क्लाज है किंतु इसका पूर्ण अर्थ नहीं है। अब उदाहरण नंबर दो, द डॉक्टर एडवाइज माई फादर दैट ही शुड ईट हॉज पॉट। इसमें द डॉक्टर एडवाइज माई फादर ये क्लाज है, इसका पूर्ण अर्थ है किंतु दैट ही शुड हेल्प सॉरी दैट ही शुड ईट हॉज पॉट भी एक क्लाज है पर इसका पूर्ण अर्थ नहीं है। यहां एक बात हम और आपको स्पष्ट कर देते हैं कि वाक्य के जिस भाग का अपना पूर्ण अर्थ होता है उसे मुख्य उपवाक्य अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और वाक्य के जिस भाग का पूर्ण अर्थ नहीं होता है अर्थात जो भाग अपने अर्थ के लिए वाक्य के दूसरे भाग पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्लॉजेस तीन प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज। हम इसको एक बार पुनः रिपीट करते हैं, ये एग्जाम्पल ये उदाहरण एक बार आप पुनः समझ लीजिए। जैसे जो उदाहरण हमने पहले बताया आपको, ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वॉज इल, ही टोल्ड हिज फादर इज अ क्लॉज, इट हैज अ कंप्लीट सेंस, इसका पूर्ण अर्थ है, ये भी एक क्लॉज है, और दैट ही वॉज इल इट इज ऑल्सो अ क्लॉज बट इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस। तो जिस क्लॉज का पूर्ण अर्थ है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जिस क्लॉज का पूर्ण भाव यानी पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। गाइस, हम प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की चर्चा विस्तार पूर्वक अलग से क्लॉज नामक टॉपिक पर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इंटरमीडिएट स्तर के स्टूडेंट्स के लिए। इट इज इंडेड एसेंस ऑफ द इंटरमीडिएट ग्रामर। जी हाँ, इंटरमीडिएट ग्रामर में क्लॉज भगवान की तरह है, जिसकी मर्जी के बगैर आप इंटरमीडिएट ग्रामर का एक पत्ता तक नहीं ला सकते। ये अतिशयोक्त नहीं, यथार्थ है। सो के गाइस, L2L कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर के पहले चरण में बस आज इतना ही। आगे सेंटेंस की विस्तृत चर्चा हम आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स का नॉलेज देने के बाद करेंगे। आज बस इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे।